हेलो फ्रेंड्स, वर्तमान डिस्कशन करिबा प्लस थ्री सेकेंड सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स कोर थ्री रो यूनिट थ्री। तो आज आलोचनार विषय वस्तु यूनिट थ्री रो समस्त दुई मार्क विशिष्ट संक्षिप्त प्रश्न उत्तर गुड़िकार मैंने आलोचना करवा। तो पूर्वर अनेक गुड़े वीडियो अपलोड हो सारी अच्छे, तो आप चैनल टी प्ले लिस्ट को जाए समस्त वीडियो देखिपारे। तो वीडियो टी स्टार्ट करने पूर्व जो मैंने वर्तमान पर्यंत चैनल टी सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करनी, बेल आइकन टी प्रेस कर दिंतु, जहाँफल कि आगामी भिडियोर नोटिफिकेशन गुड़िक सर्वप्रथमें आपण मान निकट में पहुँच पार। तो वीडियो टी स्किप न करी संपूर्ण रूपे देखिया निम्ते चेष्टा करूँ। तो यूनिट थ्री रो विषय वस्तु कौन अटे ना, यूनिट थ्री रो विषय वस्तु होची ओडिया साहित्य रे सत्यवादी धारा। तो प्रथम प्रश्न टी कौन अटे देखिबा, प्रथम प्रश्न हैला बिहार ओडिशा प्रदेश गठन केबे होइथिला। तो प्रश्न होची बिहार ओडिशा प्रदेश गठन केबे होइथिला, 1912 मसीह रे बिहार व ओडिशा प्रदेश गठन होइथिला। क्यों मसीह रे ना, 1912 मसीह रे बिहार ओडिशा प्रदेश गठन करा जाइथिला। दुई नंबर प्रश्न हैला ओडिशा रे जातीय चेतनार नवजागरण किपरि होइथिला। प्रश्नटी कोन अटे ना, ओडिशा रे जातीय चेतनार नवजागरण किपरि होइथिला। 1903 मसीह रे उत्कल सम्मेलन सभा रे ओडिशार जातीय चेतनार नवजागरण सृष्टि होइथिला। क्यों मसीह रे ना, 1903 मसीह रे उत्कल सम्मेलन सभा रे ओडिशार जातीय चेतनार नवजागरण सृष्टि होइथिला। तीन नंबर प्रश्न होची सत्यवादी वन विद्यालय केबे प्रतिष्ठा होइथिला। सत्यवादी वन विद्यालय 1909 मसीहा सत्यवादी वन विद्यालय प्रतिष्ठा होता। तो 1909 मसीह कौन होता ना, सत्यवादी वन विद्यालय प्रतिष्ठा करा जाइथिला। चार नंबर प्रश्न होची किए केबे एवं केउठी सत्यवादी वन विद्यालय प्रतिष्ठा करथिले। प्रश्नटी कौन अटे ना, किए केबे एवं केउठी सत्यवादी वन विद्यालय प्रतिष्ठा करथिले। पंडित गोपबंधु दास 1909 मसीह रे साक्षी गोपाल सत्यवादी ठारे सत्यवादी वन विद्यालय प्रतिष्ठा करथिले। तो सत्यवादी वन विद्यालय प्रतिष्ठाता किए अटंती ना, पंडित गोपबंधु दास। 1909 मसीह रे साक्षी गोपाल सत्यवादी ठारे सत्यवादी वन विद्यालय से प्रतिष्ठा करथिले। किए ना, पंडित उत्कलमणि गोपबंधु दास। पांच नंबर प्रश्न होची सत्यवादी वन विद्यालय मूल आदर्श कौन थिला। पांच नंबर प्रश्न कौन अटे ना, सत्यवादी वन विद्यालय मूल आदर्श कौन थिला। स्वदेश प्रीति, जातीयता भाव, जातीय जीवन प्रति गभीर ममता थिला सत्यवादी वन विद्यालय आदर्श। तो सत्यवादी वन विद्यालय आदर्श कौन थिला, स्वदेश प्रीति, जातीयता भाव, जातीय जीवन प्रति गभीर ममता थिला सत्यवादी वन विद्यालय आदर्श। छ नंबर प्रश्न होची बंदीर स्वदेश चिंता कौन क्यों काव्य सह तुलनीय। तो बंदीर स्वदेश चिंता कालिदास मेघदूत काव्य सह तुलनीय। तो बंदीर स्वदेश चिंता होची कालिदास रचित मेघदूत सह मेघदूत काव्य सह तुलना करा जाय अछि। परवर्ती प्रश्नटी कौन अटे, सत्यवादी वन विद्यालय क्यों माने शिक्षकता करूथिले। प्रश्नटी कौन अटे, सात नंबर प्रश्नटी होची सत्यवादी वन विद्यालय क्यों माने शिक्षकता करूथिले। पंडित नीलकंठ दास, कृपासिंधु मिश्र, गोदावरीश मिश्र, लिंगराज मिश्र एवं अनंत मिश्र, यही पांच जन कौन करूथिले ना, सत्यवादी वन विद्यालय सत्यवादी वन विद्यालय शिक्षकता करूथिले। किए किए ना, पंडित नीलकंठ दास, कृपासिंधु मिश्र, गोदावरीश मिश्र, लिंगराज मिश्र एवं अनंत मिश्र। आठ नंबर प्रश्न कौन अटे, गोपबंधुंकर तरुण जीवन प्रथम सारस्वत कविता पुस्तक नाम कौन। तो यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जहाँ कि परीक्षा बारंबार आसी थाए। तो प्रश्नटे आम कौन देखिले, गोपबंधुंकर तरुण जीवन प्रथम सारस्वत कविता पुस्तक नाम कौन
ना अवकाश चिंता हेउची कविता पुस्तक गोपबंधु गोपबंधुंकर तरुण जीवनर प्रथम सारस्वत कविता ओ कविता बा पुस्तक अटे। नौ नंबर प्रश्नटी कौन अटे? नौ नंबर प्रश्नटी होची अवकाश चिंता कविताटी कविंकर केउ चेतनार आदर्श। जातीय चेतना, प्रकृतिर अंतर्दृष्टि, मानव वंदना, इतिहास सचेतनता, विश्व मानविक सचेतना, स्वदेश प्रीति, अतीतर गौरव गान प्रभृति अवकाश चिंता कवितार गोपबंधुंकर आदर्श व चेतनार स्वर शुणा को मिलता है। तो गोपबंधुंकर आदर्श व चेतनार स्वर क्यों क्यों कविता माध्यम शुणा को आम मैंने पाई ना जातीय चेतना, प्रकृतिर अंतर्दृष्टि, मानव वंदना, इतिहास चेतना, विश्व मानविक चेतना, स्वदेश प्रीति, अतीतर गौरव गान प्रभृति अवकाश चिंता कवितार गोपबंधुंकर आदर्श व चेतना स्वर शुणा को मिलता है। दस नंबर प्रश्नटी कौन अटे? अवकाश चिंता क्यों मसीह प्रकाशित होता? अठरश अनेश्वत मसीह अवकाश चिंता कविताटी प्रकाशित होता। तो अवकाश चिंता कविताटी क्यों मसीह प्रकाशित होता? ना अठरश अनेश्वत मसीह अवकाश चिंता प्रकाशित होता। एगार नंबर प्रश्नटी है गोपबंधुंकर कटकर शिला सेतु कवितार क्यों बार्ता झंकृत? तो गोपबंधुंकर कटकर शिला सेतु कवितार क्यों बार्ता झंकृत? कटकर शिला सेतु कवितार कटकर सुदृढ़ शिला सेतुर अतीतर गाथा प्रकाश कर हीनबल उत्कल मैने आत्मशक्ति भाव हीनबल उत्कल मैंने आत्मशक्ति लाभ करतु असाधु अनुष्ठान लगी प्राणर सचेतन सचेतना जगि उठु यही बार्ता ए झंकृत। तो गोपबंधुंकर कटकर शिला सेतु कवितार क्यों क्यों बार्ता गुड़िक झंकृत होता परिलक्षित हुए ना कटकर शिला सेतुर कवितार कटकर सुदृढ़ शिला सेतुर सेतुर अतीतर गाथा प्रकाश कर हीनबल उत्कल मैंने आत्मशक्ति लाभ करतु असाधु अनुष्ठान लगी प्राण रे चेतना जगि उठु यही बार्ता थिला यही बार्ता एथिरे झंकृत अटे। बार नंबर प्रश्नटी है गोपबंधुंकर रचित नदीकल्प भित्तिक कवितार नाम कौन? काठजोड़ी तीर स्वयं काल एवं काठजोड़ीर चंद्रालोक होती गोपबंधुंकर रचित नदीकल्प भित्तिक कविता द्वय। तो गोपबंधुंकर रचित नदीकल्प भित्तिक कविता द्वयर नाम कौन अटे? ना काठजोड़ी तीर स्वयं काल एवं काठजोड़ीर चंद्रालोक होउची गोपबंधुंकर रचित नदीकल्प भित्तिक कविता द्वय। तेर नंबर प्रश्नटी कौन अटे? ना तेर नंबर प्रश्नटी होउची कारा कविता संकलन रे केतोटी दीर्घ कविता संकलन रही अछि? प्रश्नटी आम कौन देखुचे कारा कविता संकलन रे केतोटी दीर्घ कविता संकलन रही अछि? तो उत्तरटी है कारा कविता संकलन रे तेर गोटी दीर्घ कविता रही अछि। चौदह नंबर प्रश्नटी होची गोपबंधुंकर बंदी जीवनर अवसर व अनुभूति क्यों काव्यरे परिदृष्ट? ना गोपबंधुंकर बंदी जीवनर अवसाद व अनुभूति बंदीर आत्मकथा काव्यरे परिदृष्ट होयछि। पंदर नंबर प्रश्नटी हैला नचिकेता उपख्यान केउथिरु गृहीत होयछि? नचिकेता उपख्यान कठोर उपनिषदरु नचिकेता प्रसंगरु गृहीत। तो प्रश्नटी मैंने कौन देखिले पंदर नंबर प्रश्नटी होची नचिकेता उपख्यान केउथिर गृहीत? ना नचिकेता उपख्यान कठोर उपनिषदरु नचिकेता प्रसंगरु गृहीत। षोल नंबर प्रश्नटी है सत्यवादीर आंदोलन को
ନିଶ ଆନ୍ଦୋଳନ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? ତ ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଟେ ନା ସତ୍ୟବାଦୀର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନିଶ ଆନ୍ଦୋଳନ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? ମୋ ନିଶ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ ବ୍ୟଙ୍ଗ ବିଦ୍ରୁପ ମାଧ୍ୟମରେ ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜର ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯୋଗାଇଥିଲେ। ତ ମୋ ନିଶ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ ବ୍ୟଙ୍ଗ ବିଦ୍ରୁପ ମାଧ୍ୟମରେ ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜର ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯୋଗାଇଥିଲେ। ଏଣୁ ଏହି ସତ୍ୟବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନିଶ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ସମ୍ପାଦନାରେ କେଉଁ ପତ୍ରିକା କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ତ ନବଭାରତ ମାସିକ ପତ୍ରିକା 1934 ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସଙ୍କର ସମ୍ପାଦନାରେ ନବଭାରତ ନାମକ ମାସିକ ପତ୍ରିକା 1934 କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ କାବ୍ୟର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ କାବ୍ୟର ନାମ ହେଲା କୋଣାର୍କ, ଖାରବେଳ, ପ୍ରଣୟିନୀ ଅଟେ। ତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ କାବ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କୋଣାର୍କ, ଖାରବେଳ ଏବଂ ପ୍ରଣୟିନୀ। 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଟେ ନା 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସଙ୍କର ଅନୁବାଦ କାବ୍ୟର ନାମ ଲେଖ। ଦାସନାୟକ ଓ ପ୍ରଣୟିନୀ କାବ୍ୟ ହେଉଛି ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସଙ୍କର ଅନୁବାଦ କାବ୍ୟର ନାମ। ତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସଙ୍କର ଅନୁବାଦ କାବ୍ୟର ନାମଟି କ'ଣ ଅଟେ ନା ଦାସନାୟକ ଏବଂ ପ୍ରଣୟିନୀ କାବ୍ୟ ହେଉଛି ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସଙ୍କର ଅନୁବାଦ କାବ୍ୟ ଅଟେ। 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଟେ ନା କୋଣାର୍କେ ଓ ଖାରବେଳ କାବ୍ୟର କବି ନୀଳକଣ୍ଠ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଲେଖିଛନ୍ତି? ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଟେ ନା କୋଣାର୍କେ ଓ ଖାରବେଳ କାବ୍ୟରେ କବି ନୀଳକଣ୍ଠ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଉତ୍କଳର ପ୍ରାଚୀନ ଗୌରବ, ସମୃଦ୍ଧ ନୌବାଣିଜ୍ୟ, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବୀରତ୍ୱ, ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର, ସମାଜ ଚିତ୍ର ଓ ନୂତନ ପ୍ରେମର ଚିତ୍ର କୋଣାର୍କେ ଓ ଖାରବେଳ କାବ୍ୟର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇଅଛି। ତ ଏଠାରେ କୋଣାର୍କେ ଓ ଖାରବେଳ କାବ୍ୟରେ କବି ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ନା ଉତ୍କଳର ପ୍ରାଚୀନ ଗୌରବ, ସମୃଦ୍ଧ ନୌବାଣିଜ୍ୟ, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବୀରତ୍ୱ, ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର, ସମାଜ ଚିତ୍ର ଓ ନୂତନ ପ୍ରେମର ଚିତ୍ର ଏହି କାବ୍ୟରେ କବି ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। 21 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଟେ ଦାସନାୟକ ଓ ପ୍ରଣୟିନୀ କାବ୍ୟ କେଉଁ କାବ୍ୟର ଛାୟାନୁବାଦ? ଟେନିସ୍ଙ୍କ ଦି ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ ଏବଂ ଏନକ୍ ଆର୍ଡେନ୍ ଛାୟାନୁବାଦର ଏହି ଦୁଇଟି କାବ୍ୟ ରଚିତ। ତ ଦାସନାୟକ ଓ ପ୍ରଣୟିନୀ କାବ୍ୟ କେଉଁ କାବ୍ୟର ଛାୟାନୁବାଦ ନା ଟେନିସନ୍ଙ୍କର ଦି ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ ଓ ଏନକ୍ ଆର୍ଡେନ୍ଙ୍କର ଛାୟାନୁବାଦର ଏହି ଦୁଇଟି କାବ୍ୟ ରଚିତ। 22 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, କୋଣାର୍କ କାବ୍ୟ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଓ କ'ଣ କ'ଣ? କୋଣାର୍କ କାବ୍ୟ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ରାମଚଣ୍ଡୀରେ ସକାଳ ଓ ମାୟାଦେବୀ। ଏହା ହେଉଛି କୋଣାର୍କ କାବ୍ୟର ତିନୋଟି ଭାଗ ଅଟେ। 23 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ କାହାର ପଟ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ? ତ ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ କାହାର ପଟ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ନା ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ପଟ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ? 24 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ଗୋଦାବରୀ ସହ କେତୋଟି ଗୀତି କବିତା ରଚନା କରିଥିଲେ? ତ ଗୋଦାବରୀ ସହ ମିଶ୍ର ଅଲେଖିକା, ଚୟନିକା, କିଶଳୟ, ଗୀତିୟନ, ଗୀତାୟନ, ପ୍ରଥିତ ଗୀତି କବିତା ରଚନା କରିଥିଲେ। ତ ଗୋଦାବରୀ ସହ ମିଶ୍ର କେଉଁ କେଉଁ ଗୀତି କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ରଚନା କରିଥିଲେ ନା ଅଲେଖିକା, ଚୟନିକା, କିଶଳୟ, ଗୀତାୟନ, ପଥିତ, ଏହି ସମସ୍ତ ଗୀତି କବିତା ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ। କିଏ ନା ଗୋଦାବରୀ ସହ ମିଶ୍ର। 25 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, କେଉଁ ଗାଥା କବିତା ପାଇଁ ଉତ୍କଳର ଘରେ ଘରେ ଗୋଦାବରୀ ସହ ପରିଚିତ? କାଳିଜାଈର ଗାଥା କବିତା ପାଇଁ ଉତ୍କଳର ଘରେ ଘରେ କବି ଗୋଦାବରୀ ସହ ମିଶ୍ର ପରିଚିତ। କେଉଁ ଗାଥା ପାଇଁ ନା କାଳିଜାଈର ଗାଥା କବିତା ପାଇଁ।
26 नंबर प्रश्न टी होची गोदावरीश मिश्र केउं दुई गोटी नाटक रचना करथले पुरुषोत्तम देव एवं मुकुंद देव एही दुईटी नाटक गोदावरीश मिश्र रचना करथले या होची मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जहा की परीक्षा आसीबार संभावना रही होची। तो प्रश्न टी केबोले भाबर आसीबो ना गोदावरीश मिश्रंकर दुईटी नाटकर नाम उल्लेख करो। तो एठार आपण माने उत्तर कोन लिखिबे ना पुरुषोत्तम देव एवं मुकुंद देव एही दुईटी नाटक होची गोदावरीश मिश्रंकर रचित नाटक अटे। 27 नंबर प्रश्न टी हला पंडित गोदावरीश मिश्र केउ जुगर स्रष्टा पंडित गोदावरीश मिश्र सत्यवादी जुगर स्रष्टा अटंती। तो पंडित गोदावरीश मिश्र केउ जुगर स्रष्टा अटंती ना पंडित गोदावरीश मिश्र होचंती सत्यवादी जुगर स्रष्टा अटंती। 28 नंबर प्रश्न टी कोन अटे गोदावरीश मिश्र कौन पाई ओडिया साहित्य रे स्वतंत्र सम्मान अधिकारी होइतिले। गीतिधर्मी गाथा कविता रचयिता भावरे गोदावरीश मिश्र स्वतंत्र सम्मान रो अधिकारी होइतिले ना गीतिधर्मी गाथा कविता रचयिता भावरे गोदावरीश मिश्र स्वतंत्र सम्मान रो अधिकारी होइतिले। गोदावरीश मिश्रंकर गाथा कविता संकलन रो नाम कौन। 29 नंबर प्रश्न टी हला गोदावरीश मिश्रंकर गाथा कविता संकलन नाम होची अलेखिका अटे। तो अलेखिका होची गोदावरीश मिश्रंकर गाथा कविता अटे। 30 नंबर प्रश्न टी कोन अटे इंग्रेजी उपन्यास आदर्श रे गोदावरीश केउ ओडिया उपन्यास रचना करथिले। प्रश्न टी 30 नंबर प्रश्न टी कोन अटे ना इंग्रेजी उपन्यास आदर्श रे गोदावरीश मिश्र क्यों ओडिया उपन्यास रचना करथिले। इंग्रजी उपन्यास आदर्श रे गोदावरीश मिश्र पटांतर व अभागिनी नामक दुई गोटी उपन्यास रचना करथिले। तो इंग्रज उपन्यास आदर्श रे गोदावरीश मिश्र पटांतर व अभागिनी नामक दुईटी उपन्यास रचना करिसथि। परवर्ती प्रश्न टी कोन अटे ना गोदावरीश मिश्रंकर ऐतिहासिक उपन्यास नाम कोन। तो 31 नंबर प्रश्न टी हला गोदावरीश मिश्रंकर ऐतिहासिक उपन्यास नाम कोन। गोदावरीश मिश्रंकर ऐतिहासिक उपन्यास नाम हला 1817। तो 1817 होची गोदावरीश मिश्रंकर ऐतिहासिक उपन्यास नाम अटे। एही उपन्यास रे इतिहास गोटे अत्याचार व दुर्दिनर कहानी वर्णित। तो 1817 ऐतिहासिक उपन्यास रे केउ विषय मान वर्णित होई अछि ना उपन्यास एही उपन्यास रे इतिहास गोटे अत्याचार व दुर्दिनर कहानी एठारे वर्णित करा जाय छि केउ ठारे ना 1817 नामक एक ऐतिहासिक उपन्यास रे।